सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन के लिए। हेलो, हम डॉक्टर चेष्टा गौतम और आज हम इस वीडियो में कोगुलेशन फैक्टर्स को जानने वाले हैं। कौन कौन से होते हैं, इनके नाम क्या हैं, ये सब जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोगुलेशन फैक्टर्स 13 होते हैं, 13 होते हैं, लेकिन जो 6th नंबर का कोगुलेशन फैक्टर है हम उसको नहीं गिनते, तो इस कारण से कोगुलेशन फैक्टर्स हम 12 भी कह सकते हैं। तो प्रथम कोगुलेशन फैक्टर है फाइब्रिनोजन और दूसरा कोगुलेशन फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन। तीसरे कोगुलेशन फैक्टर को टिश्यू फैक्टर कहते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं और TPL टिश्यू फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं। फोर्थ कोगुलेशन फैक्टर है आयनाइज्ड कैल्शियम। फिफ्थ कोगुलेशन फैक्टर है लेबाइल फैक्टर, या इसको प्रोएक्सेलेरिन भी कहते हैं। सिक्स्थ कोगुलेशन फैक्टर को हम गिनते नहीं हैं, तो सेवन्थ कोगुलेशन फैक्टर का नाम है स्टेबल फैक्टर, इसको प्रोकन्वर्टिन भी कहते हैं। एट्थ कोगुलेशन फैक्टर को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं, एंटी हीमोफीलिया ए फैक्टर कहते हैं और एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कहते हैं। कोगुलेशन फैक्टर 9, इसको क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, एंटी हीमोफीलिया बी फैक्टर कहते हैं और PTC प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट कहते हैं। 10th कोगुलेशन फैक्टर का नाम है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर और 11th कोगुलेशन फैक्टर का नाम है PTA प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसिडेंट। 12th कोगुलेशन फैक्टर का नाम है हैगमैन फैक्टर और 13th कोगुलेशन फैक्टर का नाम है FSF फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, इसको लॉकी लॉरेन फैक्टर भी कहते हैं। तो इस तरह हमने 13 कोगुलेशन फैक्टर्स को जान लिया है, कौन कौन से होते हैं, इनके नाम भी जान लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।